नेपालियों को क्या बोला और बहुत ज्यादा गाली भी दी है मैंने सुना है, बट मेरे को नहीं पता क्योंकि मेरे को नेपाली नहीं आती, तो जिनको पता है तो देख लो। आप चाहे भक्कर पेट बाट जन्म लिएको बच्चाहरू छ, यत्रो यत्रो कुरा गर्छ भने त्यत्तिकै नौटङ्गीहरू केही थाहा छैन, फेरि आउने केही होइन, चाकको गुफ हाल्न धुन सक्दैन अनि आएर अर्को स्ट्रिममा आएर कच 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 गरेर बस्छ। यिनको कुछ पढी नै बस, यिनको गेम के निचे के हो, गेम के अन्दरका चिज होइन, जैसे कि इन्डिया के लिए खुद का टुर्नामेन्ट बन्दा बनाते है, बङ्गलादेश के लिए टुर्नामेन्ट होता है, ऐसा ही इनको चाहिए। नेपाल के लिए कुछ करो, मतलब ये नहीं कि कुछ देश में क्या बीत रहे क्या हो रही इसके संबंधी नहीं भाई, इनको चाहिए टूर्नामेंट खेलना, इनको चाहिए ऐसा करना वैसा करना, सर्वर चाहिए इनको। कमीने लोग, कुछ करो टीम के लिए, शर्म नहीं आता है। जैसे कि ये लोग भाई कहाँ के प्रो प्लेयर है जाके जीत के आ जाएंगे ऐसे बोलते हैं भाई, हम तो यहाँ पे प्रो प्लेयर के रूप में खेलते ही नहीं भाई, आप रिप्रेजेंट करने का कोशिश ही नहीं किया भाई, 29 से स्टार्ट किया खेलने के लिए भाई, अटक पड़े हैं भाई, पता नहीं भाई क्या बोलूँ मैं, गाली दे दूंगी मैं कसम से, हद होती है, दिमाग खराब करके रख दिया है। तो मेरे को तो नेपाली नहीं आती, बट मेरे को जितना समझ में आया आई थिंक ये बोल रही है कि कमीने लोग हो और चूतिए लोग हो नेपाली तुम लोग, और मेरे को इतना ही समझ में आया। और जो और दूसरी चीज समझ में आई इसमें से ये कहीं के कहीं ना बोल रहा है गाइस कि ये खुद से खेलती तो कभी एक मतलब चांस नहीं मिला इसको, तो तुम लोगों को क्या मिलेगा, तो ये सीन शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ बोल रहा है। तो मैं आपको बता दूं इसकी गेम की मूवमेंट देखो, ये क्या सोचती है कि अच्छा खेलता है लोरू भाई, अपने साथ गाइस ये दो तीन, मेरे ओपिनियन दे रहा हूं, अपने साथ दो तीन लोग ले जाते हैं अच्छे अच्छे खेलने वाले, उसी से टिक पाए तो टिक पाए, वरना ये तो बॉट जैसी खेलती है। आप देखो इसकी गेम प्ले हिलता दुलता भी नहीं आता, और ये कंपेयर कर रहा है कि इसको टूर्नामेंट में जीतना नहीं आता, इस वजह से नेपाली भी नहीं जीत पाएगा। और बट मैं जितना दूर जानता हूं लॉयल गोरखा फिर स्काईलाइट या बहुत सारी टीम है जो नेपाल से बहुत ही अच्छे खेलते थे, और गाइस गाइस जब भाई ग्लोबल एक साथ था पूरी वर्ल्ड में, तब गाइस मैं आपको बता दूं ग्लोबल में तो नेपाली बंदे बहुत हुआ करते थे, मेरे को जितना पता है कि अमल नामा फिर माली फिर जाकर नाम का तीन चार बंदे थे जो भाई ग्लोबल में रहा करते थे, मतलब पूरी वर्ल्ड में नंबर वन में भी थी गाइस नेपाली लोग। बट यहां पे गाइस कहीं ना कहीं इसको जलन फील होती है गाइस कि ये इसको खेलना है, नेपाल से इसको खेलना है और किसी को खेलना नहीं देगा ये, मतलब। और ऊपर से गाइस ये पार्टनर प्रोग्राम से भी है, तो पार्टनर प्रोग्राम की तुम इसको कुछ भी बोल लो ये ऑलवेज पार्टनर प्रोग्राम या फ्री फायर की सपोर्ट में बात करेगी, क्योंकि फ्री फायर से इसको मंथली 1.5 लाख रुपए मिलते हैं फ्री फायर खेलने के लिए, ऊपर से गाइस इसको बुया की कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है वहां पे भी 2-3 लाख रुपए मिलते हैं, ऊपर से मंथली 50,000-40,000 डायमंड मिलते हैं जो आप लोगों को गिवे भी कर सकता है अनबॉक्स भी कर सकता है, ऊपर से कस्टम रूम मिलता है, मतलब इतनी सारी अपॉर्चुनिटी छोड़ के ये तुम लोगों की वजह से क्यों सैक्रिफाइस करेगी, क्योंकि इसको गरीना की तरफ से इतनी अच्छे से चीजें मिल रही है, ऊपर से गाइस गरीना वाले कुछ दिन बाद ही इनकी चैनल लिंक गेम में दे देते हैं जिस वजह से इसकी सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं, और गाइस टैलेंट इसमें कुछ नहीं है, पहले से इसको गरीना इतना प्रमोट कर रही थी और ऐसी बैठे बैठे अनबॉक्सिंग करती रहती है फोकट का डायमंड लेके, और पैसे भी फोकट का मिल रहा है, तो भाई तुम लोगों को क्यों हेल्प करने जाएगा, तो ये रीजन हो सकता है, मेरे ओपिनियन थी ये गाइस, अभी क्या पता नहीं आप लोगों की क्या ओपिनियन है। तो जितने भी लोग अभी मेरी वीडियो को देख रहे हो सबको एक चीज बताता हूं गाइस, मेरी पहली और सेकंड डिस्कॉर्ड है